दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके फेवरेट सीरियल साथ ही मना साथ ही में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। जहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब दादी ही गहना और कबीर की बीच की गलतफहमियां दूर करते नजर आएगी। दरअसल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक तरफ कबीर को छुड़ाने का नाटक सिकंदर करता है और उसी को भड़का देता है कि यहाँ पर कामयाब यानी कि गहना जो नाटक कर रही है ना कि को किसी और ने उसे उसके पति मारा है, जबकि उसी खुद ने ही मारा क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था और उसके पति को यानी अनंत को खबर लग गई थी और उसके सदमे की वजह से उसकी कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई और उसका असली नाम गहना है। जिसके बाद कबीर को झटका लगता है लेकिन कबीर उस बातों पर यकीन नहीं करता। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गहना को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर ने ऐसा सब कुछ किया है और दादाजी साफ कहते थे कि अब मुझे सच जाकर बताना पड़ेगा और वो गहना को सच बताने वाली होती है कि कबीर सेठ नहीं वो तो सूर्या है। लेकिन यहाँ पर सौम्या यानी कि कबीर की मां आती है और उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। जिसके बाद में यहाँ पर कबीर की सिस्टर भड़कते नजर आती है अपने ही भाई सिकंदर पर कि सुबह सुबह आप नाश्ता कर रहे हैं कपके खा कर, लेकिन कबीर सेठ नहीं, आपको भी पता है उसने जो सजा भुगत रहा है वो उसकी सजा नहीं है। जिसके बाद देखने को मिलेगा कि सिकंदर वहां से चला जाता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो सिर्फ गहना को उसकी जिंदगी से निकालना चाहता था और कबीर को ये सजा मिल के रहेगी और वो सच्चाई सामने आने ही नहीं देता और दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट कर देता है। तो दूसरी तरफ गहना को काफ़ी धक्का लगता है और वो बापूजी उससे मिलते हैं और समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें दोबारा ये सदमा लगा है। जिसके बाद देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में गहना पहुंचेगी पुलिस स्टेशन और दादी भी वहीं पहुंचती है और कबीर और गहना के बीच की गलतफहमी दूर करती है और कबीर को गहना को साफ बता देती कि ये तो सूर्या है, ये कबीर सेठ है ही नहीं, यानी कबीर सेठ तो कोई और ही है। और देखने को मिलेगा कि असली कातिल आखिर कौन है, ये सच्चाई अब सामने आएगी जो कि कबीर सेठ है। लेकिन यहाँ पर दादी ही इन दोनों के बीच की गलतफहमियाँ दूर करेगी और अब सजा असली कबीर सेठ को मिलेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब असली कबीर सेठ की सच्चाई कबीर के भी सामने आएगी तो क्या नया तूफान आता है।